नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम दो रंग का एक खूबसूरत सा डिजाइन बनाएंगे जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही सुंदर दिखता है। बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए 8 के मल्टीपल फंदे चाहिए और एक फंदा एक्स्ट्रा। हम ऐसे 8-8 करके फंदे गिने तो लास्ट में एक फंदा आना चाहिए। तो मैंने सिलाई में 17 फंदे डाले हैं। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और यदि आपको मेरा डिज़ाइन और वीडियो पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए हम डिज़ाइन बनाते हैं। डिज़ाइन का पहला लाइन और सामने से तो 3 फंदे सीधे बना लेंगे। पहला फंदा स्लिप कर लीजिए और 2 फंदा सीधा बना लीजिए। और अब अपना हम सेकेंडरी कलर अटैच करेंगे और 3 फंदा सीधा बुन लेंगे। 1, 2 और 3। अब प्राइमरी कलर से 2 फंदे सीधे, फिर सेकेंडरी कलर से 1 फंदा सीधा। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 8 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। यानी अब 2 फंदा प्राइमरी कलर से सीधा, फिर 3 फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा, फिर दो फंदा प्राइमरी कलर से सीधा और लास्ट फंदा है जिस स्टिच है इसे हम प्राइमरी कलर से सीधा बुन लेंगे। तो देखिए हमारा डिज़ाइन अच्छी तरह बैलेंस हो गया। अब ये डिज़ाइन का दूसरा लाइन है और रॉन्ग साइड। सेकेंड लाइन में हमें सभी फंदा उल्टा बुनना है। जिस रंग से दिखाई दे रहा है उसी रंग से उल्टा। तो हमने दूसरा लाइन कंप्लीट कर लिया। अब ये डिजाइन का तीसरा लाइन है और सामने से तो तीसरे लाइन को पहले लाइन की तरह ही बुनेंगे। यानी 3 फंदा प्राइमरी कलर से सीधा, फिर 3 फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा, 2 फंदा प्राइमरी कलर से सीधा, 1 फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा। तो इन्हीं 8 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। फोर्थ रो और रॉन्ग साइड सभी फंदे उल्टे बुने जाएंगे। जो जिस कलर का है उसी कलर से उल्टा। फिफ्थ रो और फ्रंट साइड पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, अगला फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा, 2 फंदे प्राइमरी कलर से सीधा, अगला फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा, फिर 2 फंदे प्राइमरी कलर से सीधे, अगले 3 फंदे सेकेंडरी कलर से सीधे। तो पहला फंदा एज स्टिच है। इन्हीं 8 फंदों को पूरी लाइन में दोहराएंगे। रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे बुने जाएंगे। जो जिस कलर का है उसी कलर से उल्टी लाइन 5वीं लाइन की तरह ही बुना जाएगा। रंग का दिखाई दे रहा है उसी रंग से हम सीधा बुनेंगे। जब हम 2 फंदों को साथ साथ चलाते हैं तो हाथ को बहुत ढीला रखते हैं, वरना डिजाइन में सिकुड़न आ जाएगी और डिजाइन की सारी खूबसूरती खत्म हो जाएगी। रॉन्ग साइड से जो जिस रंग का दिखाई दे रहा है उसी रंग से उल्टा। तो 8 लाइन कंप्लीट हो गया और यहाँ पे हमारी डिजाइन कंप्लीट होती है। अब 9th रो से हम फिर पहले से 8वें लाइन को दोहराएंगे। यानी 3 फंदा सीधा, फिर 3 फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा, 2 फंदा प्राइमरी कलर से सीधा, 1 फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा और फिर इन्हीं 8 फंदों को हम पूरी लाइन में दोहराएंगे। तो 8 लाइन बनाने के बाद फिर इन्हीं 8 लाइन को हम ऊपर ऊपर दोहराते चले जाते हैं और डिज़ाइन बनके तैयार हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे डिज़ाइन बनके तैयार है। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। तो डिज़ाइन आपके सामने है। आशा है आपको पसंद आया होगा। यदि आपको डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।